हेलो दोस्तों, जेवीडी ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि तुरंत छोड़ दें ये बैड हैबिट्स अगर आप खाना खाने के बाद करते हैं। दोस्तों, ये इस तरह के बैड हैबिट्स हैं जो कि हम अपनी लाइफ में डेली करते हैं और रिपीट करते रहते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जो है सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इनसे हमें बचने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो है हेल्दी लाइफ रहे और हमेशा हम जो है स्वस्थ रहें और डॉक्टर से दूर रहें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, तो इस पर आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और साथ में जो है बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो है मेरा नया वीडियो जो है आपको समय से मिलता जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इस सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से बैड हैबिट्स हैं जिनसे हमें बचना है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें और ये लाइक भी करते जाएं। उन बैड हैबिट्स को जानने से पहले कुछ बातें जो ज़रूरी हैं वो आपसे करनी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि खाना खा लेने से मात्र आपके शरीर को पोषण मिल गया है तो आपको ये मालूम हो कि ऐसा नहीं है। खाना खाना पोषण का एक स्टेप है, एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जब तक खाना अच्छी तरह पच ना जाए और उसके पोषक तत्व शरीर में अब्सॉर्ब ना हो जाए, पोषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ऐसे में खाना खाने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पोषण मिलने के बजाय उसका उल्टा असर हो। तो ये दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि खाना जो है सिर्फ खाना ही जो है जैसे हमें हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल जाएगी, बल्कि ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एक किस तरह से हमारा जो है हमें पोषण प्राप्त हो, खाना से एनर्जी हासिल हो, तो और उसके लिए हम क्या जो गलती करते हैं उसमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं, तो चलिए इसको जानते हैं। इसका पहला स्टेप जो है जो हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जो डेली रूटीन में, वो है कि खाना खाने के फौरन बाद जो है तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है, इससे हमें बचना है। और जो है क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर का तापमान जो है वो चेंज हो जाता है और इससे जो है एसिडिटी, गैस, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकते हैं जिससे हमारे पेट में दर्द होगा और हमारे जो है पाचन तक प्रक्रिया में जो है इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, तो ये कम से कम 30 मिनट्स तक जो है पानी नहीं पीना है, और अगर पानी पीना भी है 30 मिनट्स के बाद इसको ध्यान रखना है। ये नंबर वन हुआ जिससे हमें बचना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं वो नहाने का है। हमें इससे बिल्कुल बचना है। अगर ऐसा करते हैं अगर आप तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि नहाना एक शारीरिक क्रिया है। इस दौरान हाथ और पैर सक्रिय अवस्था में होते हैं जिससे इन अंगों का ब्लड फ्लो जो है काफ़ी बढ़ जाता है। इन अंगों में ब्लड फ्लो बढ़ने से पेट में जो है रुधिर प्रवाह पर असर पड़ता है और पाचन क्रिया में इसका असर पड़ता है। तो ये भी एक जो है बहुत ही बैड वर्क है और इसका जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमें ज़रूर से ज़रूर बचना चाहिए। तीसरा हैबिट्स, खाने के साथ या तुरंत बाद फल का खाना। अगर आप खाने के साथ ही फल खाते हैं तो फल पेट में ही चिपक जाता है और ये सही तरीके से इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में उनसे मिलने वाला पोषण जो है अधूरा ही रह जाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि खाने के करीब एक घंटे बाद फलों का सेवन करना चाहिए या फिर खाने के कुछ घंटे पहले इसे खाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बैड हैबिट्स है वो स्मोकिंग है, खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करना। ऐसे तो सिगरेट पीना ही हानिकारक है और ये कैंसर का जो है कारण बनता है, फिर भी सिगरेट पीना अपने आप में एक बुरी लत है।
जिससे हार्ट और सांस संबंधी कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। पर एक्सपर्ट की माने तो खाने के ठीक बाद स्मोकिंग करना 10 गुना खतरनाक हो सकता है। खाना खाने के बाद पी गई एक सिगरेट आमतौर पर पी गई 10 सिगरेट के बराबर नुकसान पहुंचाती है, साथ ही इससे कैंसर का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर ये हैबिट्स आप में है तो उसे तुरंत छोड़ दें। नेक्स्ट बैड हैबिट के अच्छा खाना देख करके बहुत सारे लोग जो अपने बेल्ट को ढीला कर लेते हैं। तो खाने के बारे में पहले ये जान लें कि हमें खाना जो है भूख से कम खाना है, ना कि जो है भरपेट खाना है या ओवर ईटिंग करना है। ये भी बहुत हानिकारक है, इससे हमें बचना है। दोस्तों, अगला बैड हैबिट हम जो अक्सर करते हैं कि लेट नाइट आते हैं घर पे और जल्दी से खाना खाया और सो गया, ये बहुत ही बड़ा जो है ये कमी हमारे अंदर है और ये बहुत ही जो है बड़ा नुकसान है हमारे सेहत के लिए है। सबसे पहले जान लें कि हमें खाना जो खाना है वो सोने के कम 2 घंटा पहले खा लेना है, क्योंकि खाना को हज़म होने में पचने में कुछ समय लगता है। तो अगर आप ये हैबिट करते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये अपनी सेहत से खेल रहे हैं, अपने हेल्थ से जो है आपको प्यार नहीं है। ये जान लीजिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो आप जो है हर जगह जो है सक्सेस है। तो इसलिए इस हैबिट को बिल्कुल छोड़ दें और आज ही जो है इसे अपने जो है जीवन में बदलाव पैदा कर दें। तुरंत टहलने ना जाएं। खाने के बाद टहलना एक अच्छा हैबिट है, लेकिन खाने के तुरंत बाद टहलने से पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। टहलने में हमारे शरीर की एनर्जी बर्न होती है, जबकि शरीर के अंदर पाचन क्रिया के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऐसे में खाने के कुछ देर बाद टहलना एक अच्छी क्रिया हो सकती है, पर खाने के तुरंत बाद टहलने से जो है ये उल्टा असर डाल सकता है। दोस्तों, ये अगला पॉइंट बहुत ही जो है जानने के लायक है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, शायद आप भी करते होंगे, कि खाने के फौरन बाद चाय का सेवन करते होंगे। ये बहुत ही हानिकारक है, और अगर आप में ये हैबिट है तो इसे फौरन अभी तुरंत ही से छोड़ दें इसको, और जो बिल्कुल जो है अपने सेहत से समझौता ना करें, क्योंकि चाय में जो है एसिडिटी होता है और जो हमारे प्रोटीन को जो है पचने में उसको डाइजेस्ट होने में जो है वो सहायक रोल अदा नहीं करता है और हमारा खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं पाता है। तो दोस्तों, ये जो है अगर खाना के तुरंत बाद चाय पीते हैं आप, तो इस हैबिट को बैड हैबिट माना गया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है तुरंत से तुरंत छोड़ दें। दोस्तों, ये था कुछ बैड हैबिट्स जो हम अक्सर जो है अपनी लाइफ में करते रहते हैं और हमारे रूटीन में ये बैड हैबिट्स शामिल हैं। तो हमें चाहिए कि इन बैड हैबिट्स को अपने जीवन से निकाल फेंकना है और अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, ताकि हम हर फील्ड में सक्सेस हों और हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। उम्मीद है ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।